बचपन का अड्डा है। अड्डे से मुराद ये है कि यहाँ पहले मेरे नाना अबू की शॉप हुआ करती थी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे। ये पर्दा हटेगा तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट इस जगह पे। और सबसे पहले पहले जब हम लोग सफ़र किया करते थे ना, तो वो इसी तरीके से सफ़र किया करते थे बसों का, कि मतलब आते थे यहाँ पर बैठा करते थे। ये सारी इस तरीके की जगह है, वेटिंग एरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीन है, शायद लाइट नहीं है सर, ये पंखा नहीं खुल रहा। गाइस पंखे का मतलब ये पंखा, ठीक है, शायद लाइट है, पंखा खुल गया। सर तो अभी हमारा सकरन का सफ़र होता है ख़त्म, मतलब यहाँ से जितनी ब्लॉगिंग हो सकी, जितना इंजॉयमेंट हो सका हम लोगों ने खुल के किया इंजॉय। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, खुल के इंजॉय किया। और अभी दिल नहीं करा था जाने का, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पे घर है तो जाना है किसी भी सूरत। और खैर यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। पीछे के जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हों, वो देखते ही हैं, बल्कि मेरे सारे घर वाले पीछे के गाँव के, तो आप तो सारे देखते ही हो मेरा ब्लॉग। तो मैं ये बोलूँगी आप लोगों से कि बहुत मज़ा आया, खाला स्पेशली आपके साथ, मेरी छोटी वाली खाला, इतनी सी खाला, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। और मेरी कज़न है एक बड़ी खाला की बेटी, उनके साथ भी बहुत मज़ा आया। खैर अब जाहिर टाइम गुजर जाता है, पता नहीं चलता, तो अब कराची चल के मिलते हैं। यहाँ पे मैं रास्ते की वीडियो बनाती हुई चलूँगी, वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। इस दौरान मैं पार्क में बीच में शूट करने भी गई थी, लेकिन मैं शूट आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं यूट्यूब पे अपना फेस रिवील नहीं करती, तो ये मसला था, मैं शूट शेयर नहीं कर पाई आप लोगों से। लेकिन इंशाल्लाह जब जिस वक्त भी ये फेस रिवील किया मैंने, मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अगर किया तो मुझे कोई आइडिया नहीं है फिलहाल कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी। खैर एनीवेज वो मैं गाइस यहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पैर भूरे आ रहे थे। वो मम्मा के पैर देखो, मम्मा यूं करके दिखा रही आगे। जैसा ग्रीन सूट पहना हुआ है वैसे ही ग्रीन जिन लगी है। अभी हम लोग देसी तरीके से आए हैं, देसी तरीके से जाएंगे अभी बस में, तो ये सारा सही देसी तरीके से, यू नो देसी क्या, देसी पीपल्स। हाँ ये जैसे वापस की बात है, कार से ज़्यादा बस का सफ़र मज़े का होता है। एक चलो अब रास्ते में मिलते हैं आप लोग। कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर उतरे थे तो बहुत ज़्यादा रश थी, और उस एरिया में मैंने मोबाइल निकाला ना, सब नहीं समझा था, तो ये सीन है। मोबाइल मम्मा के पास था, मेरे पास नहीं था, फिर मोबाइल मम्मा के पास ही होता है आजकल, मैं लेती हूँ व्लॉग भर के लिए वापस दे देती हूँ। तो ये सीन है कि मम्मा ने फिर निकालने नहीं दिए वहाँ पर, क्योंकि वो रश बहुत ज़्यादा थी, मम्मा को यह था कि चोरी वोरी ना हो जाए। अभी जो आपको ये आवाज़ मेरी जो गड़गड़ सी लग रही है ना, वो शरह से लग रही है कि मैं भी नींद से उठी हूँ। सुबह आए थे तो थक गए थे और फिर सो गए थे, तो अभी आँख खुली है हमारी। अभी हम लोग नाश्ता भी कर रहे हैं, हमारा नाश्ता इस टाइम पे, अभी हम लोग नाश्ता भी कर रहे हैं साथ, देखेंगे कुछ बनाया तो बनाया, वरना मंगवा लेंगे बाहर से। तो ये सीन है, आपको घर पर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, दिल गार्डन गार्डन हो गया कसम से, डर जमीन पर। वहाँ पे ये था ही, उस वक्त तो बोले जा रहा था मम्मा घर चलो, मम्मा घर चलो, फाइनली घर आ गया ये। आप बताओ आपकी क्या सूरत हाल है, ये क्या है? निकर अभी निकर। घर क्या रहे हो भाई, मतलब क्या कैसा महसूस कर रहे हो घर पे? वीआईपी। हाँ वीआईपी वीआईपी
मैंने सुबह भी इसको ऐसे ही लेटे हुए रिकॉर्ड किया था, अभी भी मैं इसको लेटे हुए रिकॉर्ड कर रही हूँ। देख लें गाइस, कहीं पर भी पड़ जाता है, कभी ऊपर वाले कमरे में पड़ जाता है, कभी नीचे वाले कमरे में पड़ जाता है। गाइस आप आपको तो नहीं पता ना, ये इसने आज व्लॉग भी नहीं बनाया शायद, नहीं बनाया ना? नहीं, हम गांव से जैसे गए ना भाई और मैं गए सामान लेने गए, अम्मी ने कॉपीराइट चाय वगैरह बनाई, ये जैसे आई है ना ये पेड़ पर हो गई। जी नहीं, मैं जैसे आई थी मेरे मेरी इस सारी साइड पे ना ये सारी साइड भरी हुई थी। नहीं ये अपने अंदर करो, ये सारी जो ना यहाँ पे ये सारा सामान भरा हुआ था, सामान से मुराद वो नीचे जो बिस्तर बिछा हुआ है वो यहाँ पे पड़े हुए थे सारे। नहीं करो यार वो यहाँ पे पड़े हुए थे सारे, ठीक है। तो वो मैंने अपना एरिया क्लियर किया, फिर यहाँ पे ये कुछ रलियाँ, ये अभी उठ के मैं सही करूँगी क्योंकि उस वक्त आई थी तो नहीं दिमाग काम कर रहा था, इतना चक्कर आ रहे थे सफ़र से थक गई थी। तो खैर क्योंकि बस का सफ़र बहुत ज़्यादा बुरा होता है, मैंने कभी लाइफ में बस का सफ़र नहीं किया कभी भी, और अब किया वो भी मामा के कहने पर। तो थोड़ा अजीब फील हुआ, वैसे मज़ा आया लेकिन ये था कि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम यू नो रिच मैन, बचपन से गाड़ियों में सफ़र किया तो अब नहीं मज़ा आता। बचपन में भी एक दो बार किया था, जब एक दो बार नहीं मतलब बचपन में काफ़ी टाइम किया बचपन में, लेकिन जब बहुत छोटे हुआ करता था तब की बात पता नहीं कहाँ चली जाती है, कुछ याद नहीं रहता। अब तो बड़े हो गए, जब से बड़े हुए तब से गाड़ियों में बैठे अब बस का सफ़र नहीं अच्छा लगता। तो ये सीन, भाई चाय उठा दो मेरी, आए उठा दो ये कब मेरा है चल गया ये कब मेरा है, इसमें मेरे अलावा कोई चाय नहीं पीता यार। लाइटिंग होनी चाहिए कमरे में, ये एक से काम नहीं चलेगा, इधर लगवानी पड़ेगी सिर्फ यहाँ पर, ये हमारी PS5 है, ऊपर पड़ा हुआ ऊपर दिखा रहे, ये कचरा नहीं है गाइस, ये इसमें कॉपीज पड़ी हुई है कुछ, और ये भी नोट्स हैं मेरे, पेपर चल रहे थे फिर आप लोग जानते हैं पेपर्स में ये हाल होता है। हालात मैं भी ये बोलने वाला था, अभी हमारे पेपर चल रहे थे ईद से पहले, हाँ। तो सीन को जैसा जो भी मतलब आ रहा था जहाँ पर भी बस निकाला पड़ा अलग दिया, तो ये वही सीन है, उसमें भी कॉपीज पड़ी है, गैप नहीं थे, विदाउट गैप पेपर चल रहे हैं, मतलब फिर वो सर घुमाता हमारा, फिर प्रैक्टिकल जर्नल बुक कॉपी जो भी है रजिस्टर्स वगैरह सब यहीं पे पड़े, सब यहीं पे पड़े। यहाँ पे ये कॉटन पड़ी हुई है, और वो जो थैली है वो थैली एक्स्ट्रा है, मतलब ऐसी पड़ी हुई, मेरी अम्मा, हाँ मेरी अम्मा बोलती है कि थैलियाँ पड़ी निकलना था ना इस वजह से, जो भी है फिलहाल जो भी है बस पड़ा हुआ है, उधर मैक पड़ा हुआ है, उधर PS पड़ा हुआ है, सबको इधर। अभी मैं आपको कमरे की हालत दिखा रहा हूं, सबसे बेकार हुई है, लेकिन ये मैं दिखा नहीं सकती, बस थोड़ा सा दिखाई, फिर कभी दिखाऊंगी साफ करके। तो अब लोग निकलते वक्त वो मॉइस्चराइजर मेहंदी ने लगाया था वो वहीं पे पड़ा हुआ है, चार्जर तो अभी आके रखे हैं, वो ग्लास भी रखा है, सुबह पानी पी रहा था वहाँ पे, मैकबुक भी पड़ा हुआ है, यही सीन है बस। ये देखिए मेरे यहाँ पे मैंने दुपट्टा रखा था, लास्ट पेपर आए जिस हम लोग सिविल ड्रेस में गए थे, बोर्ड के पेपर आए थे तो यूनिफॉर्म में नहीं गए थे, सिविल ड्रेस में गए थे, तो ये दुपट्टा पहन के गई थी, यहीं पे रखा है जैसे आई थी, और ये कॉपीज वगैरह, ये वॉच, ये पोल्डर वगैरह, ये देखें, ये जैसे मतलब हम लोग यहाँ से तैयार होके गए थे ना, तो ये सारी चीज़ें कि वहीं के वहीं पड़ी हैं, अभी उठेंगे और अभी होश में आए, अभी सेट करेंगे इन सबको, अरे अभी सेट करना है। चलो खैर, अगर सेट हो जाता है तो फिर मैं आपसे मिलूँगी, मतलब ये दिखा दूँगी, और अगर सेट नहीं होता तो अभी के लिए बल्कि मैं यहीं पर ब्लॉग बंद कर देती, देखिए मुझसे बात भी नहीं हो रही।